शास्त्र कहता है स्नान संध्यादि कर्मानी परित्यज्ये हरि कथाम। भगवान की कथा सुनने के लिए स्नान संध्या भी अगर त्यागनी पड़े तो त्याग दो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो रस है वो दुनिया के किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं आपकी बात तो दूसरे नंबर पे करूंगी, पहले अपने आप से अनुभव कर रही हूं। आज से नहीं, ये भगवान की कथा गाने की ये जो सेवा है बचपन से मुझे मिली है, पर बचपन से आज तक इतने साल हो गए कथा गाते गाते, कभी मन में ये नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि अरे वही तो कथा है, कितनी बार कहें, कितनी बार बोलें, वही भागवत जी, वही भागवत जी के श्लोक, वही प्रसंग। क्यों? क्योंकि गंगा प्राचीन हो सकती है पर गंगा कभी पुरानी नहीं हो सकती। गंगा हर रोज नई है। भागवत भी प्राचीन जरूर है पर पुरानी नहीं है। भागवत का हर एक शब्द नया है। भागवत का हर एक शब्द रसमालयम, रस से भरा हुआ है, और इसी रस को 7 दिन तक आपको पीना है। मुंह के द्वारा नहीं, संसार का रस मुंह से पीते हैं पर भगवान की कथा का रस, भागवत का रस कानों के द्वारा हृदय में जाता है। श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा इस रस को हम सबको पान करना।